कैसे हो बिहार के पागलों, एक बट दिल को छू गया। हाँ, हम बिहारी पागल होने से दाग जो थोपा गया मनीष कश्यप के ऊपर, ये गलत है। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर मनीष कश्यप के ऊपर, हम ये आपसे पूछना चाहते हैं, क्या बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बिहार भाजपा के लिए आए थे क्या? सुशील मोदी मिलने गए रात के 2 बजे, गिरिराज सिंह जी मिले हैं, अश्विनी चौबे जी मिले हैं, तो क्या ये अनुशंसा नहीं कर सकते थे कि भैया बाबा ये जो है मनीष कश्यप की माँ से प्लीज मिल लीजिए, वो अर्जी लगा रहे हैं। कुछ है बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पूरे बिहार को पागल कर गए हैं, और उसी एक पागलों के फौज में मनीष कश्यप की माँ भी थी। पर अभी एनएसए लगा है, वो तमिलनाडु जेल में बंद है। बिहार में धीरेन्द्र शास्त्री जी का कार्यक्रम होता है, उसमें मनीष कश्यप के परिवार भी अर्जी लेकर जाते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी से मिलने के लिए, लेकिन मिल नहीं पाते हैं। परास होटल के सामने एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आधी रात को मनीष कश्यप के छोटे भाई वहां पर गुहार लगाते हैं, लेकिन वहां पर नहीं मिलने दिए जाते हैं। लेकिन क्या एक ही सवाल उठता है, अब धीरेन्द्र शास्त्री जी केवल VIP के लिए अब बाबा रह गए हैं? इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ जनमंच के पत्रकार देवेंद्र कुमार, उनसे बात करेंगे। मनीष कश्यप को तो अब धीरेन्द्र जो एक वीडियो जो मनीष कश्यप धीरेन्द्र शास्त्री के चरण में जाकर साथ में बैठकर इंटरव्यू लेते हैं, आज उनके परिवार को मिलने दुश्वार भी हो गया है, क्या कहना चाहेंगे? जब बाबा बिहार नहीं आए थे तो उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, वीडियो में कह रहे थे कैसे हो बिहार के पागलों, एक बट दिल को छू गया। हाँ, हम बिहारी पागल ही तो है, मनीष कश्यप की माँ, मनीष कश्यप के भाई पागल ही तो है, जो आपके दरबार में 4 दिनों से अर्जी लगा रहे थे कि बाबा आप मिल लीजिए, मिल लीजिए, क्या पता मेरा बेटा के ऊपर जो दाग लगा है एनएसए का वो हट जाए। एनएसए दाग जो थोपा गया है मनीष कश्यप के ऊपर, ये गलत है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगा है, तो बड़ी बड़ी जो राष्ट्रीय मीडिया है, जो जहर घोल रहा है अपने टीवी चैनलों के ऊपर, उसके ऊपर एनएसए क्यों नहीं लगता है? तमिलनाडु प्रकरण में जिस तरह से मनीष कश्यप को लपेटा गया, मनीष कश्यप के ऊपर जो बिहार में जो केसेस हैं उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु प्रकरण पर। तमिलनाडु प्रकरण में सिर्फ मनीष कश्यप ही दोषी नहीं है, अगर मनीष कश्यप दोषी है तो उसके साथ साथ हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर और भी तमाम चैनल दोषी है, लेकिन उस पर कोई शिकंजा नहीं। दुर्भाग्य है मनीष कश्यप के परिवार के लिए कि जिस मनीष कश्यप को धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने धाम में आशीर्वाद दिया, उसी की माँ को मिलने नहीं दिया गया बिहार में, और वहीं पर जो बड़े बड़े नेता है कोई ड्राइवरी कर रहे हैं, कोई उनके जगह चल पे गिर रहे हैं, और उनके लिए 2-2 बजे रात को अर्जी लगाने के लिए चौखट खुल जाता है। क्या हम ये आपसे पूछना चाहते हैं, क्या बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बिहार भाजपा के लिए आए थे क्या? बाबा भक्त के लिए आए थे, लेकिन यहाँ क्या हुआ? उनसे वही मिला जो बीजेपी को समर्थन करता है, बाकी कोई नहीं मिला। मनीष कश्यप भी तो बीजेपी के समर्थन करते थे, समर्थन मिल रहा है अब, समर्थन मिल रहा है क्या? देखने को मिल रहा है। सुशील मोदी मिलने गए रात के 2 बजे, गिरिराज सिंह जी मिले हैं, अश्विनी चौबे जी मिले हैं, तो क्या ये अनुशंसा नहीं कर सकते थे कि भैया बाबा ये जो है मनीष कश्यप की माँ से प्लीज मिल लीजिए, वो अर्जी लगा रहे हैं? कुछ किए लोग, क्या चाहते हैं ना ये लोग चाहते हैं ना तुरंत मनीष कश्यप की माँ, मनीष कश्यप का भाई मिल लेता। मनीष कश्यप को मैं इसलिए सपोर्ट कर रहा हूँ अब, क्योंकि NSA उन पर थोपा गया। सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं डॉक्टर AP सिंह से मैं पर्सनली मिला, मैं उनका फाइल को पढ़ा, वाकई में NSA जो लगाया गया ये जानबूझ कर लगाया गया, NSA कहीं नहीं लगना चाहिए, देशद्रोह एक बदनुमा दाग है। मनीष कश्यप के पिता फौज में है, इनकी माँ गांव में रहती है, मनीष कश्यप क्या देशद्रोही जब तमगा लेकर गांव में घूमेगा, इज्जत का क्या रह जाएगा? अब यही ना बोला जाएगा कि जिसका बाप सीमा पर खड़ा है देश की रक्षा के लिए, उसका बेटे पर आंसुका लगा दिया जाता है, देशद्रोह घोषित कर दिया गया, ये बहुत ही गलत है। अब बाबा से इसलिए उनकी माँ मिलना चाह रही थी, अपना अर्जी लगाना चाह रही थी वो, क्योंकि बाबा पूरे भारत में लोकप्रिय है, बाबा को सब जानता है, बाबा चाहते तो मनीष कश्यप को तुरंत रिहा करवा देते। मनीष कश्यप पर कुछ दिन पहले
एक फर्जी वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें बोला गया कि राजपाल ने एनएसए को मंजूरी दिया गया और इसमें बड़े बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म भी चलाते हैं, तो क्या किस पर लोग विश्वास करें? वो जी जो फर्जी वीडियो आजकल बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर, बड़े बड़े न्यूज प्लेटफॉर्म पर खबर फर्जी चल रहा है, उसके बाद में राज्यपाल के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया जाता है कि यह जो खबर चल रहा है यह भ्रामक है, आखिर लोग किस पर विश्वास करें? भैया हम बार बार कहते हैं जो बड़ी बड़ी जो मीडिया है उस पर तो बिलीव मत कीजिए, अब जो चल रहा है सोशल मीडिया जो रेपुटेटेड है उस पर ही बिलीव कीजिए। अब देखिए मनीष कश्यप को लेकर पहले खबर क्या चल रही थी कि राजपाल जी का अनुमति मिल गया है कि मनीष कश्यप पे अब बरकरार रहेगा एनएसए, लेकिन अब क्या है, अभी भी मामला तमिलनाडु हाई कोर्ट में, मतलब कि मदुरई हाई कोर्ट में मामला लंबित है, अब वहां पर ही सुनवाई हो पाएगा कि उनके ऊपर एनएसए होगा कि नहीं होगा। ये तो वक्त की बात है क्या होगा नहीं होगा, लेकिन सवाल है बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पूरे बिहार को पागल कहकर गए हैं और उसी एक पागलों के फौज में मनीष कश्यप की माँ भी थी। अगर पागल का सेंस क्या था? पागल का सेंस क्या है? दीवानगी, दीवानगी कहीं तो पागलपन कहा जाता। मैंने क्या कहा, सब पागल है बिहारी में, बिहारी सब पागल होते, चूंकि भक्ति, भक्ति से ऊपर कुछ नहीं है। मनीष कश्यप के माँ को लगता है कि बाबा के पास अद्भुत शक्ति है, चमत्कारी बाबा है, कुछ कर सकते हैं, इसी लालसा के साथ वो गई। हर माँ का लालसा होता है भाई, आपकी माँ के भी लालसा होगा, मेरी माँ के भी लालसा होगा, मेरे ऊपर कोई अड़चन आ जाए तो मेरी माँ जो भी ना कुछ करना पड़े वो कुछ करेगी, क्योंकि माँ ने मुझे पैदा किया और हर माँ चाहती है कि उसका बेटा सुख और शांति से रहे। लेकिन मनीष कश्यप इन दिनों तमिलनाडु जेल में बंद है, यही गुहार के साथ गई, क्या पता कोई चमत्कार हो जाता। बाबा चमत्कारी है ना जी, पर्ची निकालते हैं चमत्कार करते हैं, चमत्कार हो जाता मनीष कश्यप तमिलनाडु से बिहार आ जाता, यही होता ना, और क्या होता। मनीष कश्यप अभी जेल में है, लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही है कि बिहार में और साथ साथ देश में मीडिया का मिसयूज हो रहा है। हम यही कहते हैं कि सही खबर दिखाइए, सटीक खबर दिखाइए, जब तक खबर की प्रामाणिकता ना हो जाए, प्रूफ ना हो जाए, तब तक अपने चैनल के माध्यम से कुछ ना परोसे, नहीं तो मनीष कश्यप जैसा ही हाल होगा। चलिए, मनीष कश्यप के परिवार बाबा से नहीं मिल पाए, बाकी इस वीडियो के बारे में क्या रहा है कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर ले। धन्यवाद।